भारत सरकारच्या केंद्रीय वक्फ बोर्ड समितीचे सदस्य हनीफ अली, वसीम खान, डॉक्टर दरक्षा अंद्रावी हे महाराष्ट्र दौऱ्यावर असून त्यांनी आज औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेत याबाबत पत्रकार परिषद घेत अधिक माहिती दिली। देखिए, हमारा दौरा का मकसद यही है कि हम हैदराबाद में थे, अभी वहाँ से औरंगाबाद आए, यहाँ से कल मुंबई चले जाएंगे। यह हमारा मकसद है कि हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो हमारी कमेटी है, टीम है, वो हर जगह देखे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो नाजायज़ कब्ज़े हैं वो किस तरह से हटाए जाए और वक्फ के साथ जो मानो कि सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है वो क्यों हो रहा है, हमारे वक्फ के अंदर क्या लोग उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, या ऐसी गवर्नमेंट आई हुई है, या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे लोग हैं या बाकी लोग जो उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये कब्ज़े हटें और ये प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल हो जाए, एक अच्छे से तरीके से इन प्रॉपर्टियों का यूज़ हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद है, वक्फ का मकसद है कि ये अल्लाह की अमानत है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जो हम आपको दे, मुझ में बांटे, किसी और में बांटे, बल्कि इसमें एक ट्रस्ट बनना चाहिए, कहीं पे स्कूल बने, कहीं पे हॉस्पिटल बने, ताकि ऑर्फन बच्चे और जो हमारे जो बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। मैडम, मकासिद बहुत अच्छे हैं, लेकिन महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की हालत को कैसा पाया आपने यहाँ? देखिए, हमने अंदर भी बता दिया कि ज़ुबू हाली है और ये ज़ुबू हाली नहीं होनी चाहिए वक्फ बोर्ड की। यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं हमारे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है जहाँ पे हमारे बहुत सारे एसेट्स हैं, और वो एसेट्स हमारे हाथ में नहीं हैं, खिसक रहे हैं, और हमें इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से पूरा ताउन है, हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे से कह रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा वाजह किया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हमें ये वापस लेके ही रहना है। वक्फ काउंसिल क्या रिपोर्ट पेश करेगी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड? देखिए, जो सही हमने पाया, जो हमें लगा कि यहाँ पे कुछ कमज़ोरियाँ हैं, वही रिपोर्ट हम सेंटर के सामने रखेंगे, और हम कोई नुक्ताचीनी नहीं करने आए हैं किसी वक्फ बोर्ड के लिए, हम कोई नुक्ताचीनी नहीं, बल्कि हम इनको स्ट्रेंथ करने आए हुए हैं। हमारा मकसद है कि हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड स्ट्रेंथ हो जाए और उनकी जो हालात अभी जो ज़ुबू हाली हैं, हम ये कहेंगे, वो ख़त्म हो जाए और इनकी हम मदद करें। मैडम, आपने जो कल से यहाँ आए हुए हैं, जो जायज़ा लिया है, इसमें आपने कहीं जो है तो फिज़िकल इंस्पेक्शन, साइट इंस्पेक्शन किया? बिल्कुल गए, हम गए कल एक दो जगह पे गए, हम ज़ियारतों पे आज भी जा रहे हैं, हमारे वसीम साहब भी हैं। आप ज़ियारतों पे गए हैं, मज़ार पे गए हैं, दरगाह नहीं? आज हम प्रॉपर्टीज़ हम जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, अभी बिल्कुल जा रहे हैं। अभी CO साहब कह रहे थे हम पहले जाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे एनक्रोचमेंट्स हैं, वो हम देख लेंगे। मैडम, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की ज़ुबूहाली दूर करने में सेंट्रल का क्या रोल है? देखिए, हमने अंदर इनको मीटिंग में पूरा बता दिया, जो हमारे पास स्कीम्स हैं, जो वक्फ के लिए, वक्फ को बढ़ावा देने के लिए, वो स्कीम्स से ये इस्तेफादा करें, और हम चाहेंगे कि हर एक वक्फ बोर्ड वैसे ही बने जो ये बाकियों को मदद करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।